दोस्तों, आज की चर्चा का हमारा विषय है ब्लू फ्लैग। ये ब्लू फ्लैग आखिर है क्या? ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो समुद्र तटों, गोदियों और नौका विहार वाले पर्यटन स्थलों को उनकी गुणवत्ता, नहाने योग्य पानी, सुरक्षा, वहाँ तक पहुँचने की सहूलियत, वहाँ की सुविधाएँ आदि कुल 33 प्रकार के मानक के आधार पर दिया जाता है। एक समाचार के अनुसार भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग पुरस्कार से नवाजा गया है। जिन 8 समुद्र तटों को यह पुरस्कार दिया गया उसमें है शिवराजपुर जो द्वारका गुजरात में है, घोघला दीव में है, कसारकोड है कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में है, रुशिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन बीच पुरी में है उड़ीसा, और इसमें राधानगर है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। आइए अब हम इसके आयोजक और उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, अर्थात इस पुरस्कार की पृष्ठभूमि क्या रही है। यूरोप में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। यह संस्था इस प्रकार के पुरस्कारों का निर्धारण करती है। यह पुरस्कार जिस संस्था द्वारा दी जाती है, इस संस्था की स्थापना सन 1985 में हुई थी। पुरस्कार वितरण इस संस्था ने 1987 से प्रारंभ किया और प्रारंभ में इस संस्था का नाम यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन था, क्योंकि यह संस्था यूरोप में प्रारंभ हुई थी। और जब यह संस्था प्रारंभ हुई थी उस समय सीवेज ट्रीटमेंट अर्थात नालियों की साफ सफाई और नहाने के पानी की गुणवत्ता के आधार पर संस्था शहरों को पुरस्कृत करती थी, क्योंकि फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी, फ्रांस को लिए हुए यूरोपीय देशों पर यह काम करती थी। बाद में सन 2001 में संस्था के नियम बदले और इस संस्था का नाम फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन कर दिया गया, अर्थात अब यह संस्था विश्वव्यापी होने लगी। इसके पहले सीवेज ट्रीटमेंट और नहाने के पानी की गुणवत्ता पर ही काम होता था, पर आगे चलकर के सन 2016 में इसमें नौका आधारित पर्यटन भी शामिल किया गया। नौका आधारित पर्यटन अर्थात जल में रहने वाले जीवों, पक्षियों को देखना, गुफाओं का भ्रमण, स्कूबा डाइविंग और तमाम चीजें शामिल हैं जो नाव पर चढ़कर समुद्र तट पर या समुद्र के अंदर आप देखना चाहें या देखने के लिए जाते हैं। इसका जो क्षेत्र रहा है यह हर वर्ष 2 बार पुरस्कारों की घोषणा करती है। हर वर्ष 5 जून को यूरोप, कनाडा, मोरक्को, ट्यूनिशिया और इस भौगोलिक क्षेत्र के समुद्र तटों के लिए 5 जून को पुरस्कार की घोषणा की जाती है और 1 नवंबर को कैरेबियन, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी गोलार्ध के अन्य देशों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। अब थोड़ा सा हम दक्षिणी गोलार्ध के बारे में भी जान लें। दक्षिणी गोलार्ध क्या है? दक्षिणी गोलार्ध अर्थात सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर क्या है? भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग, पूरा आधा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में आता है, जिसमें कुल 5 देश और 4 महासागर आते हैं। जो देश हैं उसमें अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका का 90% भाग, अफ्रीका का 1/3 भाग और एशिया के कई द्वीप समूह शामिल हैं। अब हम महासागरों की बात कर लें। इसके जो महासागर हैं उनमें हिंद महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिणी और दक्षिण प्रशांत महासागर, ओशिनिया के अधिकांश क्षेत्र और फिर प्रशांत महासागर के कुछ द्वीप समूह इसमें शामिल है। इन क्षेत्रों के कुल 47 देशों को यह संस्था पुरस्कार देती है। दोस्तों, आज के विवरण में सिर्फ यहीं तक। अगले विवरण में फिर हम विशद रूप से अन्य किसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है, अगर यह विवरण पसंद आया हो, चूंकि यह जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से लेकर के बनाया गया है, तो आप हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि आप इसको लाइक करते हैं तो मुझे पता लगेगा कि आपने इसको पसंद किया और इस प्रकार की सामग्री और आपको मिलती रहेगी।